चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेको नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, थ्री नंबर विच आर को प्राइम टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 551 एंड देन ऑफ द लास्ट टू इज 1073। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास तीन नंबर है। मान लेता हूँ पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, तीसरा नंबर जेड है। ये तीन को प्राइम नंबर्स हैं और कहता है कि इन दोनों का यानी पहले दूसरे का यानी x इंटू वाई करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट आ रहा है आपका 551 आ रहा है, और y इंटू में z का प्रोडक्ट करेगा तो वो आ रहा है आपका 1073 आ रहा है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है उन तीनों नंबरों का सम क्या है, यानी इन तीनों नंबर का उसने सम पूछा हुआ आपसे। तो ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का आपस में डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा वाई से वाई कट जाएगा, यानी एक्स अपोन में मेरे पास जेड आ जाएगा बराबर में। ये 551 अपोन में 1073 आएगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या 19 से कट रही है। 551 अपोन में अगर 19 से डिवाइड करूँ तो 19 दूनी 38 38, तो 7 और ये आ जाएगा आपका 1 और ये आपका बनेगा 9। यानी ऊपर वाले का जो फैक्टर आएगा वो आएगा आपका 19 इंटू में आपका 29। या तो ये नीचे वाला 29 से पूरा डिवाइड होगा या फिर 19 से या 29 से डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं 1073 को अगर मैं 29 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 9 दूनी 18 और ये कितना होगा आपका 2 दूनी 4 यानी 3 से 9 तीस 27 का 7 हासिल लगी 2 और ये जगह 3 दूनी 6 6 और 2 8 8। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये आपका 2 और ये 3। ये किस पे जाएगा आपका 9 तीस 27 9 दूनी 18 9 सत्तर 63 7 पे जाएगा 9 सत्तर 63 का आपका 3 6 7 दूनी 14 14 और 26 यानी कि जाएगा आपका 37 इंटू में आपका कितना हो जाएगा आपका ये 29। इससे ये कट गया, इससे कट गया, यानी कि x की वैल्यू मुझे मिल गई आपकी आपकी 19 और मेरे पास जेड की जो वैल्यू मिल गई मुझे 37 मिल गई। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था, मुझे चाहिए थी वाई की वैल्यू। तो एक्स इंटू में अगर मैं वाई करूँगा तो बराबर मेरे पास कितना आ रहा था, 551 आ रहा था। तो इसमें एक्स की वैल्यू मुझे पता है तो वाई इज इक्वल टू में कितना आएगा 551 अपॉन में 19 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 29। तो ये एक्स प्लस का वाई और प्लस का जेड, इसकी वैल्यू निकालनी तो 29 19 37। तो 9 9 18 18 2 20 5 25 25 यानी कि 3 2 5 6 7 8 यानी 85। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।